भाइयों अगला वीडियो अब वर्कआउट पर आने वाला है, तो आप सब तैयार रहिएगा। ये वीडियो मैंने जरा अर्जेंट में बनाया है क्योंकि कुछ लोग कमेंट में बकवास कर रहे हैं, गीता पर आ गए हैं कि गीता में कहां लिखा है ब्रह्मचर्य के बारे में। तो उन मूर्खों को मैं बता दूं, गीता में लिखा हुआ है ब्रह्मचर्य के बारे में। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान गीता का ज्ञान दिया। उसमें उस युद्ध में काफी बहुत सारे महान योद्धा थे, लेकिन एक भीष्म पितामह जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, मृत्यु में भी इतना साहस नहीं था कि मतलब उनसे बिना पूछे उनको छू ले। जी हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, ठीक है ना। मृत्यु भी पूछ के आएगी कि आऊं या ना आऊं, बात को समझ रहे हो। और उन्होंने खुद कहा है तीनों लोगों का साम्राज्य त्याग देना, स्वर्ग का अधिकार त्याग देना, उससे भी कोई उत्तम वस्तु हो तुम्हारे पास उसे भी त्याग देना, लेकिन ब्रह्मचर्य को भंग मत करना, उसका नाश मत करना। बहुत से लोग बकवास कर रहे हैं कमेंट में, अरे क्या ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे तो बीबी को सुख कैसे देंगे। अरे कुछ भी क्या बकवास कर रहे हो जब तुम्हें ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं, किस ग्रंथ में लिखा है कि वीर नाश करो, अपने उस कीमती वस्तु को, उस जीवनी शक्ति को नालियों में बहाओ, कहां लिखा है मुझे ये प्रूफ करो, किस ग्रंथ में लिखा है। तो ये बकवास ना करें। जिनको भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है उन्हें बकवास लगता है, आप लगातार वीरनाश कीजिए, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बाकी भाई हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके रास्ते में टांग ना अड़ाइए आप, ठीक है। जिन्हें नहीं करना है पालन आप जा सकते हैं। जिन्हें मजबूती के साथ हमारे जो भी भाई पालन कर रहे हैं, तो आप सब तैयार रहिए। अब हम वर्कआउट लेकर आने वाले हैं, साथ मिलकर जम के वर्कआउट करेंगे, ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यार, ठीक है ना। किसी की बातों में ना आइएगा, खासकर हमारे नए युवा भाई, किसी की बातों में नहीं आना है। ब्रह्मचर्य का मजबूती के साथ पालन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।